तो स्लोप ऑफ द कर्व का और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है वो सेम है। फॉर्मूला सेम होने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने क्या किया था, स्लोप ऑफ द कर्व कैलकुलेट की थी, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग डिफरेंशिएशन जो है यानी कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे, ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है वो है। ठीक है, ये आप सब लोगों को शो हो रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्या है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश और डी एफ बाय डी एक्स हुज वैल्यू एट एक्स इज एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। तो क्या है कि अगर आप लोगों के पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन हो और आप लोगों ने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है, मतलब क्या है कि आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो आप लोग फंक्शन को उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव उसका कैलकुलेट करोगे। तो एफ ऑफ एक्स में हमारे पास क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट किया जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश से या आप लोग इसके लिए डी एफ बाय डी एक्स का सिंबल भी यूज कर सकते हो। और ये एक्सप्रेशन जो है ये है हमारे पास किसकी डेफिनेशन, डेरिवेटिव ऑफ दी एफ की डेफिनेशन। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। मैं दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद क्या है कि इफ एफ डैश एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स, वी से दैट एफ इज डिफरेंशिएबल और हैज अ डेरिवेटिव एट एक्स। इफ एफ डैश एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ देन एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने कंटिन्यूटी में देखा था कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अपनी डोमेन के तमाम पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। तो एक फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलेंगे अगर वो डोमेन के तमाम पॉइंट्स के लिए उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी डोमेन के हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें कि ये जो डेफिनेशन है इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम लोग ये वाली डेफिनेशन जो है ये ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की आपके पास दो इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो आप लोग इस डेफिनेशन से भी कर सकते हो और इस डेफिनेशन से भी कर सकते हो। दोनों डेफिनेशन से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। वो क्यों, वो इस वजह से क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन जो हैं वो इक्विवेलेंट डेफिनेशन हैं। इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है कि एक डेफिनेशन को यूज करते हुए आप लोग दूसरी डेफिनेशन ऑब्टेन कर सकते हैं और फिर इसी तरह दूसरी को यूज करते हुए आप लोग पहली डेफिनेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखें कि जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने एफ डैश को इस एक्सप्रेशन के इक्वल कहा था। अब देखें कि इधर क्या लिखा है कि इफ वी राइट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। ठीक है, कि एक्स प्लस एच को हम लोग किस चीज का नाम दे रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि एक्स प्लस एच को जेड का नाम देना है। ठीक है, अगर एक्स प्लस एच को आप लोग जेड का नाम दो तो फिर आप लोग एच को किसके इक्वल लिख सकते हो, जेड माइनस एक्स के। एक्स को आप लोग दूसरी तरफ लेते हैं तो आप लोगों के पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखें कि अगर आप लोगों के पास एच अप्रोच कर रहा हो जीरो को तो जेड फिर किसको अप्रोच करेगा, करेगा जीरो को। तो हमारे पास जेड माइनस एक्स अप्रोच करेगा जीरो को। ठीक है, एच अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है कि जेड माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जेड माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो अगर हो तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि z अप्रोचेस टू
एक्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग क्या करेंगे कि एक्स प्लस एच को रिप्लेस करेंगे जेड के साथ, तो आप लोगों ने ये जो कंडीशन लिखी हुई है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसको रिप्लेस करना होगा जेड अप्रोचेस टू एक्स के साथ, ठीक है। एक दफा दोबारा देखें कि जब आप लोगों ने रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच को जेड के इक्वल, तो फिर आप लोगों को ये लिमिट भी चेंज करनी होगी। और आप लोगों ने ये देखा कि जब एच अप्रोच करता है जीरो को, तो इस एक्सप्रेशन से क्या है कि जेड अप्रोच कर रहा है एक्स को, तो इसलिए जब हम एक्स प्लस एच को रिप्लेस करेंगे जेड के साथ, तो हमें ये लिमिट भी रिप्लेस करनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ जेड एंड एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ये हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसी डेफिनेशन से जो गिवन है। तो देखेंगे फिर आप लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप लोगों को एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है ये कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये आ गया। अब आप लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इस डिफरेंस को एच के साथ डिवाइड कर देना है, ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद आप लोग ये जो न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन है इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो वो क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन जो है, सबसे पहले ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये एक्सप्रेशन इधर मल्टीप्लाई होगा और ये एक्सप्रेशन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इधर जो प्रोडक्ट आ रहा होगा उसको हम लोग एच के साथ कंबाइन कर लेंगे, तो हम लोग इस स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल वही कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी की थी। अच्छा, अब देखेंगे, अब आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है जो कि न्यूमिनेटर में है। तो इस प्रोडक्ट को जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, तो इस सारे का जो सॉल्यूशन होगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, वो हमारे पास माइनस एच के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कि ये एच जो है वो इस डिनोमिनेटर के एच के साथ कैंसिल आउट होके ये एक्सप्रेशन देगा। अब इस एक्सप्रेशन में आप लोगों ने लिमिट लेनी है एच अप्रोचेस टू जीरो, तो आप लोगों के पास ये आंसर आ गया जो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेन एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, फाइंड द टेंजेंट लाइन टू कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो अब ये आप लोगों को दो काम करने को कह रहा है। पहला काम तो ये है कि आप लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। दूसरा काम ये करना है कि एक्स इज इक्वल टू 4 पे आप लोगों ने इस कर्व पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखेंगे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोगों के पास फंक्शन की स्लोप होनी चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 4। ऐसे ही फंक्शन की स्लोप होगी तो आप लोग टेंजेंट लाइन फाइंड कर सकेंगे ना। अच्छा, अब देखेंगे, मैंने ये बताया कि जो स्लोप का फॉर्मूला है वही डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हमें फंक्शन की स्लोप दे रहा होता है, ठीक है। फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन की स्लोप डिफाइन करता है, ठीक है। और ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ये हमें फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बता रहा होता है, ठीक है, कि फंक्शन किस रेट के विद रिस्पेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, यही चीज जो है ये स्लोप होती है। तो अगर आप लोगों ने फंक्शन का स्लोप कैलकुलेट करनी हो किसी भी पॉइंट पे, तो ये सिंपल है कि आप लोग उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अगर आपने एक्स इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन की स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो ये आंसर किसके इक्वल होगा अगर आप लोग फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 4 कैलकुलेट करो तो, ठीक है। ये बात सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई, अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ ले। सर एक दफा फिर से करवा दें, सही समझ नहीं आई। मैंने ये कहा कि मैं इधर लिखता हूं पहले, फिर आप लोगों को समझ आएगी। देखिए स्लोप
ऑफ एफ ऑफ एक्स एट स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट इज एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, कि फंक्शन की स्लोप जो है एक्स नॉट पॉइंट पे वो किसके इक्वल होगी, वो इस बात के इक्वल होगी कि आप लोग फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो एक्स नॉट पे। ठीक है, अगर आप लोग फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो एक्स नॉट पे तो जो इसका आंसर होगा वही हमारे पास स्लोप ऑफ द फंक्शन एट एक्स नॉट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन और डेरिवेटिव की डेफिनेशन दोनों सेम है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा, फिर हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी होगी एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो देखेंगे इस दफा जो हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम लोग दूसरी डेफिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग पहली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, दोनों डेफिनेशन से जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से इस दफा हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे एफ ऑफ एक्स क्या था, स्केयर रूट ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जेड क्या होगा, स्केयर रूट ऑफ जेड। हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब देखेंगे ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है जेड माइनस एक्स, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ जेड माइनस स्केयर रूट ऑफ एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ जेड प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखें कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो न्यूमिनेटर के इस एक्सप्रेशन से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वन डिवाइडेड बाय जेड वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट जेड प्लस अंडर रूट एक्स। अब लिमिट अप्लाई करनी है जेड अप्रोचेस टू एक्स, तो जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट जेड जो है ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स। तो डिनोमिनेटर में क्या है फिर, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स जो किसके इक्वल होगा, वन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सब स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई? सारी ये तीसरे स्टेप में क्या हुआ समझ नहीं आया। अच्छा तीसरा स्टेप भी समझ आया, देखिए मैं इधर लिखता हूँ फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डबल फुल स्टॉप मैंने लगाया है, इधर तक शो हो रहा है सब स्टूडेंट्स को? अच्छा देखेंगे z को आप लोग क्या लिख सकते हो, z रेज टू दी पावर 1/2 एंड अगेन पावर 2। ठीक है, यानी कि z स्क्वायर रूट की पावर 2 ले रहे हैं, तो 1/2 फिर 2 से कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो z को आप लोग इससे रिप्लेस कर सकते हो फिर, यस सर। और इसी तरह एक्स इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो अब आप लोगों को पता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फिर ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, स्लोप और टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन के लिए आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमें स्लोप कैलकुलेट करनी होगी। तो स्लोप मैंने बता दिया कि आप लोगों ने क्या करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चला कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास आ जाता है वन डिवाइडेड बाय टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखिए कि हमने टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी है एक्स इज इक्वल टू 4 पे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट 4। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमें चाहिए एट द पॉइंट 4। क्यों? क्योंकि हमने टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी है एट 4। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो टेंजेंट लाइन आएगी एक्स इज इक्वल टू 4 पे उसकी स्लोप क्या होगी, 1/4। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। अच्छा अब देखेंगे इस एक्स की वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आपके पास
वाई की वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है? यानी के पॉइंट कैसे आता है, एक्स एफ ओफ एक्स पेयर होता है, ठीक है? तो इधर एक्स की वैल्यू तो है, एफ ओफ एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो एफ ओफ एक्स की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि फोर का स्क्वेयर रूट टू के इक्वल होता है, ये बात समझ आ गई? तो एक्स नॉट हमारे पास क्या होगा, फोर, और वाई नॉट क्या होगा, टू। चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो टेंजेंट लाइन की जनरल फॉर्म पड़ी थी उसमें एक्स नॉट को फोर पुट करें, वाई नॉट को टू पुट करें और एम की जगह पे 1/4 पुट करें, तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जो क्या है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है एट द पॉइंट 4 2 पेयर विथ स्लोप 1/4। अच्छा, अब देखें कि अब हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि एक फंक्शन फंक्शन जो है वो कब डिफरेंशिएबल होगा एक इंटरवल पे। तो जिस तरह कंटिन्यूटी के लिए बात थी, वही बात इधर डिफरेंशिएशन के लिए भी है कि उधर हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले कंटिन्यूटी को डिस्कस करते थे इंटीरियर पॉइंट्स पे, फिर हम लोग पॉइंट्स पे लेफ्ट और राइट कंटिन्यूटी को डिस्कस करते थे, ठीक है? ऐसे ही था, यस यानी कि लेफ्ट एंड पे राइट कंटिन्यूटी और राइट एंड पे लेफ्ट कंटिन्यूटी की कंडीशन डिस्कस करते थे। बिल्कुल वही चीज इधर डिफरेंशिएशन के लिए भी है कि अगर आप लोगों ने फंक्शन को ये देखना है कि वो पूरे इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो क्या होना चाहिए कि उस इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर अगर इंटरवल क्लोज इंटरवल है तो लेफ्ट एंड पॉइंट ए पे क्या होना चाहिए, फंक्शन का राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसी तरह राइट एंड पॉइंट बी पे फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखें कि अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन में क्या करो कि एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, एट ए। एट ए क्यों, क्योंकि आप लोगों ने एक्स को रिप्लेस कर दिया है ए से, ठीक है? इधर आप लोगों ने एक्स को रिप्लेस किया है बी से, तो अब आप लोग जो डेरिवेटिव डिस्कस करोगे वो पॉइंट बी पे होगा, क्योंकि इधर लिमिट क्या है, एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस, तो अब जो डेरिवेटिव बनेगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनेगा। चले, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोगों की बात ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। क्या लिखा है कि नोट दैट ए फंक्शन हैज अ डेरिवेटिव एट एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट हैज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स देयर एंड दीज वन साइडेड डेरिवेटिव्स आर इक्वल। तो अगर आप लोग इंटीरियर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव देख कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, क्या है कि जिस पॉइंट पे आप लोगों ने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है वो ना तो ए होना चाहिए और ना ही बी होना चाहिए, मतलब क्या हुआ कि ए और बी का बीच का कोई पॉइंट होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा अगर आप लोगों के पास क्या हो कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने हो। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे आएगा कि जब एच अप्रोच करेगा जीरो प्लस को तो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, जब एच अप्रोच करेगा जीरो माइनस को तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीरियर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करें और दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ठीक है? अच्छा, अब देखें कि आप लोगों ने क्या शो करना है कि अगर आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन लो तो ये फंक्शन जो है ये अपनी डोमेन के पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप लोग डोमेन में कौन सा वाला पॉइंट ले लो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ले लो, तो उस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू जीरो के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे पता चलेगा, अगर आप लोगों को ये बात प्रूफ करनी पड़े तो आप लोग क्या करोगे कि
एक्स नॉट, एक्स की वैल्यू को जीरो लोगे, ठीक है, जो फंक्शन है हमारे पास डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन, उसमें पुट करोगे एक्स को जीरो के इक्वल, फिर आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे। मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या करना है, फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, फिर आप लोगों ने एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आए तो फिर आप लोग क्या कहोगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी आंसर एग्जिस्ट ना करे, मतलब क्या हुआ कि लिमिट कैलकुलेट ना कर सकें, या लिमिट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो जाए, या दोनों लिमिट्स जो हो वो फाइनाइट हो लेकिन बराबर ना हो, तो इन तीनों केसेस में क्या होगा कि डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोबारा सुने, क्या केस है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आंसर हो लेकिन डिफरेंट हो तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर अगर फाइनाइट है और डिफरेंट है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इनमें से किसी एक का या दूसरे दोनों डेरिवेटिव्स का आंसर क्या हो जाए, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो फिर भी आप लोग क्या कहोगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। देखें कि आप लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है एट जीरो, तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, यानी कि जो डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है उसमें एक्स नॉट को आप लोगों ने क्या पुट करना है, एक्स को जीरो पुट करना है। जब आप लोग लिमिट कौन सी लोगे, एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस, तो फिर आप लोग क्या कर रहे होगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होगे। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो पे ये एक्सप्रेशन बनेगा। चलेंगे, सबको समझ आ गई है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस एक्सप्रेशन को जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखें कि क्या है, एच अप्रोच कर रहा है जीरो को फ्रॉम दी राइट साइड, तो मतलब क्या हुआ कि एच की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। जब एच पॉजिटिव होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच जो है वो किसके इक्वल आएगा, फिर एच के, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, फिर एच से रिप्लेस हो जाएगा, तो एच बाय एच कैंसिल होके वन आंसर दे देगा। तो अब आप लोगों के पास कांस्टेंट टर्म आ गई, तो इस पे लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वही कांस्टेंट वापस आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई, वन। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप लोग क्या करते हो कि एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस लेते हो, ठीक है। अच्छा, जब एच अप्रोच करेगा जीरो को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, जीरो माइनस का मतलब क्या है कि एच जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, मतलब क्या हुआ कि फिर एच की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। जब एच की वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो डेफिनेशन है उससे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच जो है वो माइनस एच के इक्वल होगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर माइनस वन आएगा। अब देखें कि दोनों डेरिवेटिव्स का जो आंसर है वो फाइनाइट तो है लेकिन डिफरेंट, ठीक है, दोनों डेरिवेटिव का आंसर सेम नहीं है। इधर क्या है, दोनों वन साइडेड डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन डिफरेंट वैल्यूज कंटेन करती हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता। एक दफा दोबारा सुने, दोनों वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इनका जो आंसर है वो डिफरेंट है, इस वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा।